बच्चों ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सीरीज सब्जेक्ट ग्रामर। ग्रामर में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 ट्रांसलेशन। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुवाद। बच्चों आप सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। सब मतलब हर धर्म में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हमें सारी भाषाएं पता हो। इसका एक ही तरीका है, क्या? कि एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना, मतलब एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना, उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। एक छोटा सा एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, दूसरा पर्सन, इसको क्या आ रहा है? सिर्फ इंग्लिश भाषा आती है और इसको आती है हिंदी। दोनों को आपस में बात करना है, ये दोनों पर्सन को आपस में, दोनों व्यक्तियों को आपस में बात करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो इंग्लिश, जो व्यक्ति इंग्लिश जानता है उसे हिंदी नहीं आती है, और जो हिंदी जानता है उसे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन बात करना दोनों को जरूरी है। क्या करेंगे? एक ऐसे पर्सन को यहाँ पे लाया जाएगा जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छी तरह से आते हैं। एक ऐसे पर्सन को लाएंगे जिसे इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाएं आती हैं। तो ये क्या करेगा? ये इसकी बात सुनेगा, ये इंग्लिश में बताएगा इसको, उसको ये क्या करेगा? ट्रांसलेट करके, हिंदी में ट्रांसलेट करके इसे बताएगा, हिंदी वाले पर्सन इस व्यक्ति को बताएगा, और जो ये बोलेगा उसको कन्वर्ट करके इसको बताएगा। मतलब क्या कर रहा है? ये दोनों को एक दूसरे से बात करने में मदद कर रहा है। एक भाषा को दूसरी भाषा में क्या कर रहा है? वो ट्रांसलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक भाषा को दूसरी भाषा में क्या कर रहा है? ट्रांसलेट कर रहा है, बदल रहा है। तो इसी तरह से इसे ही कहते हैं ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसलेट करना। लेकिन बच्चों इसके कुछ नियम है। नियम क्या है? कि जिस वाक्य को, जो भी कहा हुआ जो बात है, उसे कन्वर्ट जब हम करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो उस बात का भाव और अर्थ नहीं बदलना चाहिए। मतलब जो वाक्य हम कह रहे हैं उसको अगर दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना है तो उसका भाव और अर्थ नहीं बदलना चाहिए। और दूसरा नियम यह है कि जो भी वाक्य हम ट्रांसलेट कर रहे हैं वो ग्रामर के नियमों के अनुसार होना चाहिए, मतलब ग्रामर से हटके नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखेंगे। मेरा बस्ता मेज पर है। मेरा बस्ता मेज पर है, ये हिंदी भाषा में हो गया। अब हमको क्या करना है? इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अब हम इंग्लिश में इसी वाक्य के अनुसार पहले हम कन्वर्ट करेंगे, ग्रामर के अनुसार बाद में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो वाक्य हम कह रहे हैं हिंदी में इसके अनुसार हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसके अनुसार कन्वर्ट करने में मेरा के लिए क्या आएगा? माय। बस्ता के लिए बैग। मेज के लिए टेबल। पर के लिए ऑन। है के लिए इज। तो हमारा वाक्य क्या बना है? यहां देखिए सेंटेंस क्या बना है? माय बैग टेबल ऑन इज। अब आप बताइए बच्चों, ये वाक्य सही है? ये एकदम गलत वाक्य है। कैसा है? गलत है। लेकिन अब आप कहेंगे मैम कि ये जो हम हिंदी में बोले हैं उसी के अनुसार तो ये नीचे भी लिखा गया है, मेरा बस्ता मेज पर है, माय बैग टेबल ऑन इज। लेकिन ये कैसा है? गलत है। क्यों? क्योंकि ये ग्रामर के नियमों के अनुसार नहीं है। तो सही क्या है? सही
देखिए, माय बैग, माय बैग इज ऑन द टेबल। सही वाक्य क्या आएगा? माय बैग इज ऑन द टेबल। ये सही वाक्य हो गया। मतलब जो भी बात हम हिंदी में कह रहे हैं वो ग्रामर के नियमों के अनुसार होना चाहिए, तब वो सही होगा, तब वो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, ना कि जिस मतलब जो बात हम कह रहे हैं उसका एक एक वर्ड हम नीचे लिख देंगे इंग्लिश में तो वो सही हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है। मतलब जो बच्चों अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब वाक्यों के प्रकार। अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य। इसमें सीधे सीधे कोई बात कह दी जाती है, जो भी बात कहना वो सीधे सीधे कह दी जाती है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, राम इज ए बॉय, मतलब राम एक लड़का है। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, एकदम सीधी भाषा में कहनी चाहिए। जिसमें हम अनुवाद करते समय नियम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट मतलब राम प्लस वर्ब इज, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो लास्ट में लिखते हैं, एक बॉय। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड क्या है, निगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। प्रश्न करते हैं तो इसमें सेंटेंस कैसे बनता है, दो तरह का बनता है। क्या यह मेरी किताब है, क्या यह मेरी किताब है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, शब्द क्या है, क्या। और दूसरे वाक्य में देखिए, यह किताब, यह किसकी किताब है, यह किसकी किताब है, इसमें शब्द है किसकी। मतलब ये दोनों भी क्या है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। इसमें दोनों में क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहले बचे हुए वाक्य को लिखते हैं। अब इसमें लिखेंगे प्लीज, लिख के भी करते हैं प्लीज या काइंडली करके, प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप, फर्स्ट फॉर्म और बचे हुए पार्ट। उसके बाद ऑलवेज या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बचे हुए वाक्य, इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा चार प्रकार के सेंटेंस। कौन कौन से, पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव।
लेकिन कौन से वॉवेल्स, जो वॉवेल से स्टार्ट होता है हमारा जो भी वाक्य, उसके सामने हम क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, एन। और द हमें लगाते हैं, द द भी कॉन्सनेंट के सामने लगाते हैं, लेकिन जो जो भी वाक्य, जो भी वर्ड कॉन्सनेंट से स्टार्ट हो रहा है और जिसके बारे में हम जानते हैं, मतलब जिसका निश्चित रूप है, निश्चित बारे में, निश्चित ही हमें एकदम उसके बारे में पता है, उसके सामने हम क्या लगाते हैं, द। तो इस तरह से ट्रांसलेट करते समय हमें इन आर्टिकल्स का भी उपयोग करना है, ठीक है बच्चे।